आम फैट, यानी ये जो फैट है जो कई बार लोगों में लटक जाता है या बढ़ जाता है, आमतौर पर ये समस्या एज बढ़ने के साथ में होती थी, बट आजकल करंट सिनेरियो में ये यंग लोगों में भी दिखा जा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इट डजंट मैटर। अब ये लगता तो बहुत एम्बेरसिंग है, क्योंकि कई बार आपके जो हाथ हैं बहुत मोटे दिखते हैं, जिस वजह से कई बार जो माताएं बहनें हैं वो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन पाते, जैसे कि छोटी स्लीव के जो ड्रेसेस होते हैं या ऑफ शोल्डर ड्रेसेस होते हैं या कट स्लीव के ड्रेसेस होते हैं वो नहीं पहन पाते, जो उन्हें बहुत एम्बेरसिंग लगता है और परेशान भी करता है और डिमोरलाइजिंग भी होता है। कई बार लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, इस वजह से हमने देखा है। तो कैसे इस विंटर आप इस आम फैट को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो आप फुल स्लीव कपड़े पहनते हैं, बट जैसे ही गर्मी आती है तो लोगों को टेंशन होने लगती है कि कैसे अब हम इस चीज़ का सामना करें कि हम छोटी स्लीव की ड्रेस पहने, शॉर्ट जो स्लीव की ड्रेसेस होती हैं वो उन्हें पहने। तो इसलिए आपको आज की ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपको आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी रेमेडीज बता रहे हैं जिन्हें करने से डेफिनेटली एटलीस्ट इस विंटर विंटर में ही आप अपने इस आम फैट को ख़त्म कर सकते हैं और गर्मी आने पर अपनी मनचाही ड्रेसेस को पहन सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपकी, उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपाणी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहले ये समझिए कि एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे ये फैट बढ़ता है और ये स्किन लूज होती है। तो एक होता है सार्कोपीनिया, अर्थात एज रिलेटेड मसल लॉस। इसमें जैसे जैसे एक व्यक्ति एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका मसल लॉस होने लगती है, अर्थात फाइबर जो है वो कम होने लगते हैं, मसल मास कम हो जाता है। अब इसे कैसे मेंटेन करेंगे आप? इसे आप मेंटेन करते हैं थ्रू एक्सरसाइज या और न्यूट्रिशन के साथ। बट एक चीज़ और होती है जो आमतौर पर लोग जिस पर ध्यान नहीं देते और वो टाइट हो जाती है, जिस वजह से आपका मसल ठीक से मूव नहीं कर पाती, इसे कहते हैं फेशिया। अब ये दो तरह की होती है फेशिया। पहले आप इसका अलाइनमेंट समझिए। सबसे पहले आपकी स्किन होती है, फिर फैट लेयर होती है, उसके नीचे होती है सुपरफिशियल फेशिया, फिर एक फैट की लेयर होती है, देन फिर होती है डीप फेशिया, और उसके बाद में होती है मसल। जब ये सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया टाइट हो जाती हैं तब आपको समस्या आती है, आपका हाथ या पैर कुछ भी ठीक से मूव नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बैक पेन लेकर, उनकी मसल्स में टाइटनेस उतनी नहीं होती जितना हमें लग रहा होता है, बट एग्जामिनेशन करने में मालूम पड़ता है कि फेशिया टाइट हो रही है, तब उसे रिलीज करना पड़ता है। सेम चीज़ होती है आम की फेशिया के साथ भी, कि मसल का तो मूवमेंट अगर हम करवाते हैं तो ठीक आ जाता है, बट जब हम जॉइंट का मूवमेंट कराते हैं तो वो फेशिया टाइट हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट अपने हाथ को मूव ठीक से नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं यही एक वजह होती है ये आम का जो फैट है इसके बढ़ने और लूजन होने का। तो आपको ये ख्याल रखना है कि कैसे आप इस फेशिया को भी नॉर्मल रखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल तो अपनी टोन को चेंज कर लेती है थ्रू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बट फेशिया अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, वो टाइट हो जाती है। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली कि आप कैसे इस फेशिया को लूजन करेंगे। बात समझ आ रही है? आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं वो एक्सरसाइज, वो मूवमेंट जिनके थ्रू नहीं आप अपनी सिर्फ नहीं मसल्स को मूव कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बल्कि उस फेशिया को भी मोबिलाइज कर सकते हैं, जिसे हम फिजियोथेरेपिस्ट मायोफेशियल रिलीज के थ्रू लूजन करते हैं। बट आप भी कुछ एक्सरसाइज के थ्रू इन्हें लूज कर सकते हैं। नॉर्मल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या आइसोटोनिक एक्सरसाइज में केवल एक जॉइंट आइसोलेटेड मसल का मूवमेंट कराता है, बट एक फंक्शनल मूवमेंट में, फंक्शनल ट्रेनिंग में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं जिसमें कई सारी मसल्स एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, ये मल्टी एक्सियल मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केवल एल्बो का फ्लेक्शन ये आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक हो सकता है, बट यहाँ से कुछ उठाकर यहाँ तक लाना ये एक फंक्शनल मूवमेंट है जिसमें कई सारे जॉइंट्स और मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि रिस्ट का भी मूवमेंट आ जाएगा, शोल्डर का भी मूवमेंट आ जाएगा, एल्बो का भी मूवमेंट आ ही रहा है। इसी तरह से आपको जो पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो करनी है अपने हाथों की। अब आप सिर्फ हाथों को ऐसे मूव नहीं करेंगे, आप अपने हाथों को ये एक
हाफ सर्कल के मूवमेंट में करेंगे, जिससे आपकी जो फेशिया है अंडर आर्म की या आर्म्स की जो फेशिया है वो मूव करेगी। यही मूवमेंट आप कर सकते हैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ में। कैसे होगा, आपने बैंड लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ इस प्रकार से भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको आपकी जो आर्म की फेशिया है उसे लूज करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको भी ऐसी समस्याएं हैं, आपके भी आर्म की स्किन लूज हो रही है, फैट बढ़ रहा है, तो हमें अभी कमेंट करके बताइए। आपको जो एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है वो कैसे परफॉर्म होगी, इसमें आपको एक स्क्रूइंग मैकेनिज्म करना है, जैसे आप कुछ पकड़ के ट्विस्ट कर रहे हैं और वापस छोड़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ये मूवमेंट होगा। अब इसमें आप सिर्फ अपने हाथ को मोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप एक स्क्रूइंग मैकेनिज्म भी कर रहे हैं। इसमें आप क्या पाएंगे, जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे में मूवमेंट फील होगा, जो नॉर्मल मूवमेंट से उससे डिफरेंट लगेगा। ये एक मल्टी एक्सियल मूवमेंट है, जिसमें आपकी जो आर्म की फेशिया है, जो पूरी फेशिया है, वो डिफरेंट तरीके से मूव करेगी और कहीं ना कहीं ये मोबिलाइज होगी, लूजन होगी, जो एडहेर कर गई है फैट के साथ में और मूव नहीं कर रही, वहाँ पर मूवमेंट आएगा। आप दोनों हाथ से एक साथ भी इसे कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस प्रकार से आपको ये करना है। जब हाथ अंदर आ रहे हैं तो मुट्ठी बना लीजिए, बाहर जा रहे हैं, जब बाहर जा रहे हैं तो मुट्ठी को खोल दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपकी मूवमेंट करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके हाथ साइड में ही आएंगे एकदम, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इसे ऐसे मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, इसमें ज़्यादा मूवमेंट आ जाता है। आपको करना क्या है, आपको हाथों को बस साइडवेज मूव करना है। यही काम आप ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसे जैसे हमारे हाथ घूमते हुए ऊपर जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, या फिर आप सामने से भी कर सकते हैं। आप कुछ पकड़ते हुए नीचे खींच रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, इस प्रकार से भी आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका स्क्रूइंग मैकेनिज्म होगा, जैसे कि आप कोई स्क्रू को टाइट कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं, आप ये इमेजिन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, आप कहोगे सर ये तो मूवमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मल मूवमेंट और इस स्क्रूइंग मैकेनिज्म में डिफरेंस ये है कि जो फेशिया है आपकी, चाहे वो सुपरफिशियल फेशिया हो चाहे वो डीप फेशिया हो, उसका मूवमेंट होगा। हमें उसे मोबिलाइज करना है, ना कि सिर्फ मसल को। सिर्फ मसल तो हम आइसोमेट्रिक एसिटोनिक मूवमेंट में मूव करा ही लेते हैं, पर यहाँ हमें फेशिया मूव करानी है, इसलिए हम इस प्रकार के मल्टी एक्सियल मूवमेंट कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है और आपका आर्म फैट आता है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमें संपर्क करके अपने 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ में एक्सरसाइज करके अपने आर्म फैट को दूर कर सकते हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है वो होने वाली है अप एंड डाउन मूवमेंट, बट विद अ ट्विस्ट। आपको अपने थंब को नीचे की साइड रखना है और डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें आप इसे सर्कल बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या हाथों को खोल के भी रख सकते हैं ऐसे जैसे हमने रखा है, और मूवमेंट करिए सर्कुलर मूवमेंट। कोशिश करिए कि हाथ आपके धीमे धीमे ग्राउंड के पैरेलल आ जाएं, जिससे आप ये एक्सरसाइज सीख कर परफॉर्म कर सकें। डाउन टू अप, हाफ सर्कल, फुल सर्कल। आप फुल सर्कल भी बना सकते हैं इससे, या हाफ सर्कल भी बना सकते हैं। ये फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, ये कुछ इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज होगी। और हाँ, इसे एक अच्छी रिदम से करेंगे, एनर्जेटिक तरीके से करेंगे। कैसे, बैक फ्रंट, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट, जिससे कि एक रिदमिक मूवमेंट आए, एक इंटेंसिटी के साथ में आए। आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते जाएं, पहले वीडियो को पॉज करिए, अब आप इसे परफॉर्म करिए और पहले देखिए कि हमने किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा है। हमने क्या अपने एंगल्स, क्या पोजीशन रखी अपने आर्म की, अपर टॉर्सो की, क्योंकि ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार लोग बहुत सैगिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं, लूज होके बैठ जाते हैं, जिस वजह से उनके बैक पर भी बहुत लोड पड़ता है। लूज फिटिंग कपड़े पहनिएगा, आराम से पैरों को जमीन पर प्लांट करिए, जिससे आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। जब बैलेंस अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपकी एक्सरसाइज है वो ठीक से परफॉर्म होगी, आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा ना कि नेगेटिव इफेक्ट। और हाँ, आपके किसी भी प्रकार की समस्या में बॉडी की, गट बहुत बड़ा रोल प्ले, तो अपनी गट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं जानना चाहते ही होंगे डेफिनेटली आप। उसके लिए ये वीडियो देखिए, इसका लिंक हमने आपके छोड़ा है आई कार्ड के अंदर। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 4 होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो होने वाली है एक कैनोइंग मूवमेंट। आप कैसे परफॉर्म करेंगे इसको, जिस प्रकार से एक कैनोइंग, एक रोअर, एक कयाक जो है, जो अपनी नाव को चलाता है और ये मूवमेंट परफॉर्म करता है, आपको इस प्रकार से ये मूवमेंट परफॉर्म करना है। इनिशियली आप एक हल्की रॉड, जैसे कि ये है एक हल्की रॉड, या कोई डंडा हो सकता है, कोई स्टिक हो सकती है, कोई वॉन्ड हो सकती है, आप उसके साथ में एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। ऐसे आप सीधे बैठ जाइए, रॉड को इवनली बैलेंस तरीके से होल्ड करिए अपने हाथ में, और जो रोइंग मूवमेंट है उसे परफॉर्म करिए इस प्रकार से। 1, 2, 1, 2, 1, 2, कुछ इस प्रकार से वो मूवमेंट करते हैं। थोड़ा पास में भी पकड़ सकते हैं इनिशियली, और ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ये मूवमेंट उनका होता है, एक बार साइडवेज भी देख लीजिए, ये मूवमेंट वो परफॉर्म करते हैं, इस प्रकार से होता है। और कंटिन्यूसली वो इस मूवमेंट को परफॉर्म करते जाते हैं, जिससे वो अपनी वोट को आगे बढ़ा पाते हैं, फॉरवर्ड मोशन में ले जा पाते हैं। आप में से कईयों ने ओलंपिक्स में भी ये इवेंट देखा होगा कि रोइंग के इवेंट्स होते हैं, कायाकिंग के इवेंट्स होते हैं। आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कैसे आप फेफड़ा को मूव करके अपने इस आर्म फैट को कम कर सकते हैं। आ रही हैं अच्छी बात है, नहीं आ रही आप हमसे पूछ सकते हैं। बट चूँकि आजकल ये समस्या काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने हर जानने वाले को शेयर अवश्य करिए, जिससे आपका तो आर्म फैट कम हो ही हो, साथ में उनके भी अगर ये समस्या है तो वो भी इससे छुटकारा पा सके, आर्म फैट से फ्री हो सके। लास्ट जो 5वीं से आपको करनी है, आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको सीधा बैठना है, पैर प्लांटेड रहेंगे आपके। अब आपको अपने एल्बोज को ज्वाइन करना है और आप सिर्फ मूवमेंट करेंगे नोज टू चिन। ये मूवमेंट आपका आएगा, इससे आपका जो ये आर्म का फैट है ये धीमे धीमे मोबालाइज होगा, रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ा मूव करेगी। ध्यान रखना है कि केवल नोज टू चिन ये एक्सरसाइज परफॉर्म होनी है, इतने ही एरिया का, सिर्फ इतने ही एरिया का मूवमेंट होना है। कैसे, नोज टू चिन, ये आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ यही मूवमेंट आपको करना है। आप ये भी समझते हैं कि आप किसी को नीचे पुल कर रहे हैं और फिर मूवमेंट आपको परफॉर्म करना है इस प्रकार से, ये ध्यान रखेंगे आप। ये स्पेसिफिक ही मूवमेंट हम जो कह रहे हैं, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो उसकी वजह ये है कि हमें फेफड़ा को मूव करना है। मसल को तो आप हर एक्सरसाइज मूव करते ही रहते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आशा करते हैं आपने आज जो 5 एक्सरसाइज सीखी हैं, आप इन्हें अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इस आर्म फैट से छुटकारा आ पाएंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब आने वाले वीडियोस हैं जो हम चाहते हैं आप तक पहुंचे, वो कंटेंट आप तक समय से पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन का मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो कुछ नया सीखते रहिए हमारे साथ, हेल्दी रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। हेल्दी रहने के लिए, आर्म फैट को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आटा अच्छा हो। तो कौन सा मिलेट आटा आपके लिए बेस्ट है, राइट वाला वीडियो जाकर देखिए, और थायराइड की प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।